से कई पुरुषों ने पूछा है कि अपनी पेनिस को कैसे लंबा करें, तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब की लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज के टाइम में हर पुरुष यह चाहता है कि अपना लिंग यानी पेनिस लंबा हो, और वह इसे लंबा करने के लिए कई तरह की मेडिसिन यूज करते हैं, और इसके वजह से उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और भविष्य में उनको वहां से बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाती है। मैं खुद एक डॉक्टर होने के नाते आपको मेडिसिन के लिए रेकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे मालूम है कि मेडिसिन बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ जिससे आप अपने लिंग को बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आलू को तो आप जानते ही होंगे और हर घर में यह पाए जाते हैं। आलू से आप अपने पेनिस यानी लिंग को बड़ा कर सकते हैं क्योंकि इसमें जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, विटामिन B6, विटामिन सी, प्रोटीन, स्टार्च, अमीनो एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और साथ ही यह आपकी बॉडी में कहीं भी ब्लड सर्कुलेशन बंद हो तो आलू के व्यवहार से आप अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं और बॉडी के एपाट को डेवलप करने के लिए आलू बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और यह ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। तो आइए जानते हैं कैसे आलू से आप अपने पेनिस को इंक्रीज कर सकते हैं। एक छोटा मीडियम साइज का आलू ले और उसे साफ पानी से धो ले, फिर उसको चिप्स के आकार में काट ले। उसके बाद आप अपने पेनिस को साफ पानी या साबुन से अच्छी तरह से साफ कर लें। ध्यान रहे कि जो पेनिस की स्किन है उसके होल्स अच्छी तरह से ओपन हो जानी चाहिए और फिर आप अपनी पेनिस को साफ कपड़े से साफ कर लें। अब आलू के टुकड़े को अपने पेनिस पर लपेटे और किसी भी कपड़े की मदद से 15 मिनट तक बांध के रखे। उसके बाद आप उसे खोल दे। अगर आप ऐसे 20 दिन तक करके आप अपने पेनिस के साइज का फर्क दिखेगा कि उसमें इंक्रीमेंट हो रही है तो आप इसे जरूर ट्राई करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और आपको कुछ पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं कमेंट पर।